बाद जयपुर ग्रामीण सीट की। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। परिसीमन के बाद हुए दो लोकसभा चुनाव में इस सीट पर एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन हाल ही में विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का दबदबा बढ़ा है। इस बार इस सीट पर भाजपा ने जहां मौजूदा सांसद राज्यवर्धन राठौर पर दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा है। राज्यवर्धन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और कृष्णा पूनिया कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत चुकी हैं। अनिल जी, इस बार कांग्रेस ने वैसे जयपुर शहर ग्रामीण दोनों ही सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हाँ, ये कांग्रेस का साहसिक कदम है और कृष्णा पूनिया भी ओलंपियन है जी। ओलंपिक में पदक नहीं जीता, लेकिन ओलंपियन है वो भी जी। तो दोनों ओलंपियन आमने सामने, एक मेल एक फीमेल। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहली बार एमपी बने जयपुर ग्रामीण से, और पहली बार में ही वो केंद्र में मंत्री बन गए, और युवा और खेल मामले और उसके बाद में सूचना प्रसारण मंत्रालय, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ज दोनों का मिल गया उनको। बड़े कैबिनेट मंत्री जैसा मंत्रालय उनके पास है, और इस भार के बावजूद इस बात के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हम तारीफ करेंगे कि पूरे साल के 52 हफ्तों में शायद ही कोई शनिवार इतवार कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस कहीं देश विदेश में हो तो बाधा लगे, वरना हर शनिवार इतवार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते थे और गांव-गांव जाते थे। उन्होंने कनेक्ट बनाए रखा अपने आप को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में कनेक्शन बराबर रखा। जब फसल का खराबा हुआ, ओलावृष्टि हुई, मुझे अच्छे से ध्यान है जी। खेतों की, किसानों की उन्होंने सुध ली, मुआवजे के लिए कोशिश की। वो बराबर 5 साल कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े रहने वाले सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनका एक ओरा बन गया है, देश के सारे टीवी चैनल्स, देश के सारे बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, सबके लिए राज्यवर्धन राठौड़ एक बड़े आइकॉन है और ओलंपिक के सिल्वर मेडल प्राप्त व्यक्ति और सेना के रिटायर्ड कर्नल जी। इतनी सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई। जब चुनाव शुरू हुआ था, उसके पहले 2 महीने पहले से वो उन्होंने प्रचार एक तरह शुरू कर दिया था, गांव-गांव जाना, बच्चों की क्रिकेट प्रतियोगिता, बच्चों का ग्रामीण खेल, कई जगह स्टेडियम बनवा दिए। मतलब जो सांसद के रूप में काम करना होता है उसका किसी ने उदाहरण दिया जाएगा आदर्श काम का, तो मैं समझता हूँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का उदाहरण दिया जा सकता है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा उपयोग किया, कई बार अपने उन्होंने वीडियो बनाया और उनको वायरल किया, चाहे वो फिटनेस को लेके हो, चाहे खेलों को लेकर हो, वो लोग जुड़े उससे। अकेले थे जिन्होंने फिटनेस का अपना वीडियो देके प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया, बिल्कुल, कि प्रधानमंत्री मेरी तरह फिटनेस दिखाएं, और प्रधानमंत्री वैसी फिटनेस दिखाई, योग करके फिर उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये उनकी, वो मल्टी डायमेंशनल आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब से कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा गया, कृष्णा पूनिया ने चुनाव को खड़ा कर दिया। इस विधानसभा क्षेत्र, इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें 5 पर कांग्रेस काबिज है जी। 1 पर निर्दलीय जीते आलोक बेनीवाल, वो भी कमला बेनीवाल के परिवार से जी। और वो भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं इस वक्त। तो यानी 6 MLA कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 MLA आमेर के सतीश पूनिया और फुलेरा के MLA, 2 MLA इस वक्त काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। लेकिन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, ढाणी ढाणी, जो जमीन पर काम राज्यवर्धन का है, क्या कृष्णा पूनिया, जिनका नाम भी काफी देर से डिक्लेयर हुआ, वो शेखावटी के एक इलाके से विधायक हैं, सादुल शहर से, मेरे ख्याल से सादुलपुर से जी, सादुलपुर से जी, तो वो यहां आकर, हालांकि उनका चेहरा सबके लिए परिचित है और बहुत विनम्र सा चेहरा और सर ढक्के हमेशा रहने वाली जनता के बीच में और औरतों के बीच में, खासतौर पर वोट मांगने गई तो औरतें नाच रही उनके साथ में, ऐसे कई दृश्य देखे। अब अगर ये विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम होता है, देखिए लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में, मैं रिपीट करना चाहता हूँ इस बात को, कि उस वक्त एक फ्रेज चल पड़ा था जी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं, बिल्कुल। तो अब तो चुनाव मोदी के लिए हो रहा है और वोट भी मोदी के लिए मांगे जा रहे हैं। मोदी खुद आके कह गए सभा करके कि कमल पे बटन दबाओगे सीधा मोदी को वोट जाएगा जी। अगर ये फिलॉसफी चल पड़ी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मेहनत रंग लाई, तब तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन कृष्णा पूनिया ने पिछले 3 हफ्तों में चुनाव को खड़ा किया है, खूब घूमी भी हैं, और लालचंद कटारिया जो इस वक्त राज्य में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, झोटवाड़ा उनकी सीट है, जो इसी इलाके में आती है, शहर की सीट है हालांकि, पर ग्रामीण में आती है झोटवाड़ा। बांसुर से जो MLA हैं शकुंतला रावत, वो भी कांग्रेस की हैं, दूसरी तीसरी बार बनी।
वो भी मेहनत कर रही हैं, और राजेंद्र यादव जो कोटपुत्र से एमएलए कांग्रेस के मंत्री हैं वो भी राज्य सरकार में। देखिए अगर जातीय समीकरण हम देखेंगे तो जाट करीब 2-2.5 लाख हैं यहाँ पर, और ऐसी हवा चल रही कि वो सब यूनाइट हो गए। लेकिन इधर सतीश पूनिया है आमेर से जी। ऐसे कैसे यूनाइट होने दे सकते हैं वो, और फूलचंद मिंडा भी हैं, हालांकि वो हार गए विराटनगर से, लेकिन उनके सामने जो खड़े हुए थे बगावत करके धनखड़, कुलदीप धनखड़ जी, वो इस वक्त कांग्रेस साथ दे रहे हैं, वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे। 85,000 वोट आ गए थे उनके, 40-50,000, तो वो कांग्रेस साथ दे रहे हैं, और जीती भी कांग्रेस है वहाँ पे। तो वहाँ हंसराम गुर्जर जीते हैं, हंसराम गुर्जर ऐसे कुछ जीते हैं, इंद्रराज गुर्जर, हाँ जी। तो इंद्रराज गुर्जर जीते हैं, तो ऐसे में जो वर्तमान जीते हुए विधायकों का समीकरण है, और जो मानसून में से देवी सिंह शेखावत हार गए सेकंड नंबर पर आए, बीजेपी को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया, महेंद्र यादव बीजेपी के थे जी। तो वो देवी सिंह शेखावत चुप बैठे हुए हैं, 47,000 उनके वोट आए थे, 44,000 महेंद्र यादव के आए थे। तो देवी सिंह शेखावत को वोट देने वाले लोग, क्योंकि जीती तो कांग्रेस है शकुंतला रावत, देवी सिंह शेखावत के वोटर किधर दे रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए जी। तो उनके वोटर किधर जा रहे हैं। ऐसे ही दो गुजर खड़े हुए थे कोटपुतली में बराबर 22,000 और 25,000 वोट लेके आए, उनके वोट कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी हार गई थी। तो वो एक पहेली है, अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बगावत हुई कांग्रेस में, बीजेपी में, सब जगह से बागी खड़े हुए, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़े, और फुलेरा में जैसे बागी ने 1500-1600 वोट की हार हुई, जबकि बागी ने ज़्यादा वोट लिए, बीजेपी के बागी वहाँ मैदान में थे। तो निर्मल कुमावत जीते, और डीडी कुमावत ने बगावत की थी बीजेपी से, हालांकि उनके 7-8,000 भी वोट आए, तो पर डीडी कुमावत के खड़े होने से वो जीत 1500-1600 वोट में सिमट के रह गई बीजेपी की। और कांग्रेस की भी अब डीडी कुमावत अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं और वो उनके वोटर बीजेपी को जाते हैं या कांग्रेस जाते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ऐसे निर्दलीय बागी उम्मीदवारों की बहुतायत है इन 8 विधानसभा क्षेत्रों में, उन्हें वोट देने वाले और आलोक बेनीवाल को वोट देने वाले, क्या आलोक बेनीवाल कांग्रेस साथ हो गए तो क्या सारा वोटर भी शिफ्ट हो गया उनके साथ? नवीन पिलानिया कांग्रेस में शिफ्ट हो गए तो क्या उनका वोट, आमिर का उनका वोटर, हालांकि बीएसपी से लड़े नवीन पिलानिया, पहले एमएलए थे राजपा से, अब क्या उनका 8-9 हज़ार वोटर जो बीएसपी का था वो भी इधर शिफ्ट हो गया उनके शिफ्ट होने से कांग्रेस के साथ? ये विचारणीय प्रश्न है। और जैसा कि मनीष यादव जो दूसरे नंबर पर रहे जी, शाहपुरा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर, और आलोक बेनीवाल जो पहले नंबर पर रहे जीते, वो दोनों एक साथ हैं कांग्रेस के साथ इस वक्त जी। तो क्या राजेंद्र सिंह जो तीसरे नंबर पर आ गए थे विधानसभा उपाध्यक्ष रहते हुए शाहपुरा सीट पर, उनके बाद उनसे ऊपर दो आने वाले व्यक्तियों के वोट क्या एक साथ हो जाएंगे मनीष यादव और आलोक बेनीवाल के, क्योंकि दोनों इस वक्त कांग्रेस में हैं, कांग्रेस साथ दे रहे हैं? तो ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जिनका उत्तर ही बता सकेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर लोकतंत्र के मायने ये है कि जनता की सेवा की जाए, जनता से जुड़ाव रखा जाए, वोट देने वाले का ध्यान रखा जाए, तो राज्यवर्धन सिंह ने 5 साल ये काम किया है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में नतीजों का और उसके बाद बगावत करके कांग्रेस से लड़ने वाले, जीतने वाले या हारने वाले, या बीजेपी से बगावत करके बीजेपी को हरा देने वाले लोगों के समीकरण को देखा जाए, तो कांग्रेस मुकाबले में कड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आती है जयपुर ग्रामीण सीट पर। कुल मिला के मतलब वही बात है कि यहाँ पे भी जो टक्कर है बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है, बहुत कड़ा मुकाबला है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों युवा हैं, और दोनों ही मुझे लगता है युवाओं के लिए एक आदर्श भी हैं। अब वो मोदी को पसंद करने वाले युवा नहीं, राज्यवर्धन को पसंद करने वाले भी होंगे युवा जी, बिल्कुल। देखिए इसमें मैं बता दूं यहाँ पर कि इस जगह सिर्फ मोदी नहीं है, राज्यवर्धन भी एक आइकॉन है लोगों के लिए, और राज्यवर्धन भी लोगों की निगाह में चढ़ा हुआ चेहरा है जी। इसलिए बड़ा वर्ग नौजवानों का, उन्होंने खूब कबड्डी कराई, खूब ग्रामीण खेल कराए, स्टेडियम बनाए, 5 साल जुड़ाव रखा और नौकरियां दिलाई लोगों को, मतलब काम किया जिस आदमी ने, तो वो भी काम का रिटर्न मांगता है वापस आदमी, तो रिटर्न मिलता भी जनता से, अगर वो मिलता है तो मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मोदी पर ही वोट पड़ेंगे वहाँ पे जी। मतलब चंद सीटें हैं राजस्थान में जहां पर मोदी के अलावा कैंडिडेट को देख के वोट पड़ेंगे, कैंडिडेट के काम पर वोट पड़ेंगे, उनमें राज्यवर्धन की सीट में एक मानता हूँ जी। अनिल जी, मैं हर सीट पर अधिकतर आपसे बात पूछती हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे या जाति का समीकरण, यहाँ पर
नहीं, वो दोनों चीजें बरकरार हैं जी, राष्ट्रीय मुद्दे अपनी जगह हैं और राष्ट्रीय मुद्दे के अलावा प्रत्याशी का काम भी, प्रत्याशी का व्यवहार भी, प्रत्याशी की मेहनत भी, प्रत्याशी से लोगों का लगाव भी एक तरफ है, दूसरी तरफ कृष्णा पूनिया की सादगी भी, उनका चेहरा भी, वो जिस तरह सर पे पल्लू ढक के उन्होंने पूरा प्रचार किया और एक ओलंपियन होने के बावजूद खिलाड़ी का जोश भी उनके साथ है, वो स्टेमिना भी उनके दोनों तरफ खिलाड़ी हैं, दोनों तरफ जोश है, दोनों का जोश और दोनों का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों तरफ है, दोनों तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और राजवर्धन भी, सोशल मीडिया को राजवर्धन ने जिस तरह हैंडल किया, जिस तरह इस्तेमाल किया अपने लिए, और नौजवानों की बड़ी फॉलोइंग खड़ी कर रखी उन्होंने अपनी, तो वो प्रभावशाली स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, उनके सामने शुरू में नहीं लग रहा था कि कृष्णा पूनिया कड़ी चुनौती पेश करवाएंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने वहाँ चुनाव खड़ा कर लिया है। और बहुत सारे समीकरण हैं, देखिए चुनाव जब होता है तो वोट देने जाते जाते समय आदमी घर से पता नहीं क्या सोच के निकलता है, जाते वोट बटन दबाते समय क्या सोच लेता है, इसी में फर्क पड़ जाता है कांड से। तो चलिए, जो जयपुर की दोनों ही सीटें हैं उन पर जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा कांटे का है, देखने वाली बात रहेगी कि चुनाव अपना 6 मई को जो चुनाव है उस दिन मतदाता घर से बाहर आकर किसको समर्थन देता है। अनिल जी कुछ कहेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार भी अब संपन्न हुआ गया, होने वाला है बस बिल्कुल ही। जी, चुनाव का शोर थम गया, नारेबाजी, जुलूस, माइक, भाषण, सभाएं, ये सब होली, अब घर घर जाकर वोट मांगे जाएंगे। और जातिगत वोटों के जो सरपंच, मुखिया, ठेकेदार हैं, उनका रोल भी होगा, और ऐसे लोग जयपुर ग्रामीण में ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। शहर में जिस तरह की ठेकेदारी नहीं हो सकती वोटों की, शहर के लोग तो अपने हिसाब से निकलेंगे, अपने हिसाब वोट देंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बहुत सारे अभी इफेंट बैठे हैं शहर में, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सरपंच, प्रधान, मुखिया, जाति का अध्यक्ष, ठेकेदार, वोटों का ठेकेदार, और बहुत सारे वोटों के मैनेज करने के अलग तरीके होते हैं, इससे कौन मैनेज कर पाता है, कौन नहीं कर पाता, देर आर सो मेनी थिंग्स, दो सो मेनी फैक्टर्स जी। तो ये टग ऑफ वार अब शुरू हो गया है, अगले 6 मई तक, 6 मई सुबह मतदान शुरू होगा और शाम को मतदान संपन्न होगा। हम जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण ही नहीं बल्कि राजस्थान के सभी उन 12 चुनाव क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से अपील करते हैं जहां चुनाव 6 मई को है, कि किसी को भी दें पर वोट दें जरूर। वोट देकर 5 साल में आपको जो अधिकार मिलता है देश की सरकार चुनने का, देश का नायक चुनने का, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, अपना सांसद चुनने का, इस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाइए। आप अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, आप अपने कर्तव्य को निभाएंगे, तभी अपेक्षा कर पाएंगे कि चुने हुआ सांसद आपके लिए काम आए, तभी आप चुने हुए सांसद से अपेक्षाएं रख पाएंगे। इसलिए A1 TV की अपील है, वोट दीजिए जरूर, किसी को भी दें जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए, जिससे पर आपका एतबार हो, लेकिन वोट देने से पहले अच्छी तरह सोचें और जाकर वोट दें। चलिए, सत्ता संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।